एंड अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू पढ़ रहे आईआईटी जैम। पढ़ रहे आईआईटी जैम पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। हमारी सॉलिड स्टेट की क्लास नंबर 6 है एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे आपका क्लोज पैकिंग के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ध्यान से देखिएगा भाई, मैं काफी डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा बहुत एनिमेशन का यूज भी करूंगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये टॉपिक, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन आपको ये बता देता हूँ। एंड इस टॉपिक को बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं, समझ में आता ही नहीं है उनको ये टॉपिक, ठीक है ना। तो थोड़ी सी मैं स्लाइड्स भी यूज करूंगा, एनिमेशन भी यूज काफी तरीके से मिक्स करके पढ़ाएंगे पूरा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले यूज करते हैं जी अपना पीपीटी का, तो पीपीटी का यूज करते हैं। तो टॉपिक है जी अपना, हाँ, पैकिंग इन सॉलिड इन वन एंड टू डायमेंशनल। तो सबसे पहले हम वन एंड टू डायमेंशनल की बात करते हैं। वन डायमेंशनल का मतलब है भाई, आपने एटम्स अगर एक लाइन में ही रख दिए, है ना, एक ऐसे रखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ऐसे करके अगर आपने एटम्स रख दिए हैं तो वो वन डायमेंशनल पैकिंग होती है, ठीक है ना। पहले मैं एनिमेशन से समझाऊंगा, फिर मैं एक इमेज से समझाऊंगा, और फिर मैं उससे रिलेटेड फॉर्मूले जो दोनों में ही नहीं, वो खुद से सोल्व करवाऊंगा, लिखवाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए भाई, सबसे पहले पैकिंग इन सॉलिड, पैकिंग आपको तीन तरीके से पढ़ेंगे, 1D, 2D एंड 3D, ठीक है ना। तो वन डायमेंशनल की भी बात करनी है, टू डायमेंशनल एंड 3D, तो भाई बहुत जबरदस्ती होती है। 3D में तो मजा ही आ जाएगा आप सभी को, अगर समझ में आ गया तो, नहीं आया तो फिर तो भाई कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आ जाएगा कोशिश करोगे तो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जी 1D की, है ना, 1D पैकिंग की। तो यहाँ पे 1D में तो मैंने आपको बताया, जैसे कि आपने एक एटम रखा, धीरे धीरे एटम्स आ रहे हैं, देखो ये आपने एक एटम रखा, फिर दूसरा रखा, फिर तीसरा रखा, ऐसे ऐसे अगर आप रखते जाओगे तो एक लाइन बन जाएगी। तो ये वन डायमेंशनल है, चाहे आप इसे हॉरिजॉन्टल रख लो, चाहे आप इसे वर्टिकल, एक एटम मैंने यहाँ रखा, फिर दूसरा यहाँ, फिर तीसरा यहाँ, तो एक वर्टिकल लाइन भी बन जाएगी या हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए, इसको बोला जाता है आपका वन डायमेंशनल पैकिंग। तो यहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट होती है। अगर इसमें आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो ये देखिए, ये वाला जो एटम है, एक इसके इससे जुड़ा रहेगा और एक इससे, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है आपका वन डायमेंशनल का, वो 2 होता है। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? 2 होता है। तो यहाँ पे देखिए भाई, ये एक और एक दो, ये बताया गया है, ओनली वन वे ऑफ अरेंजमेंट स्फीयर इज पॉसिबल इन वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इन वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग ईच स्फीयर इज इन कॉन्टैक्ट विद टू अदर स्फीयर, वन ऑफ द लेफ्ट एंड लेफ्ट ऑफ द इट एंड वन ऑफ द राइट। तो ये इसका, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है भाई, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 2 होता है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो स्टूडेंट लाइव आ गए हैं वो कमेंट कर दें। अगर आपसे कभी पूछ ले कि वन डायमेंशनल के अंदर नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर कितने होते हैं, तो कितने? 2, ठीक है। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यहां पे दोबारा से भी पता लग गया हुआ। द कोऑर्डिनेशन नंबर इन वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इज 2, एच ईच स्फीयर के पास 2 नाइबर्स होते हैं इसलिए, ठीक है। अब टू डायमेंशनल की बात करते हैं, ठीक है भाई। वन डायमेंशनल यहां से पढ़ी, अब यहां से अभी आप देख सकते हैं ये भी वन डायमेंशनल ही है। वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, हियर द स्फीयर्स आर अरेंज्ड इन अ रो टचिंग ईच अदर, ये आपका वन डायमेंशनल। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे तो 2 हो जाएगा, नियरेस्ट नाइबर हो जाएगा ना। तो ये वन डायमेंशनल इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, वन डायमेंशनल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं जी 2D के ऊपर। टू डायमेंशनल में क्या है, है ना, देखो अब ऐसे ऐसे आप एटम्स रखते जा रहे हो, एक आपने एक लाइन की, अब आप, है ना, टू डायमेंशनल को आप वर्टिकल में भी बना सकते हो। कैसे भाई? जैसे आपने एक एटम यहाँ पे, एक एटम ऐसे, अब यहाँ पे दो, पहले तो आप नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ऊपर रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये टू डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल कैसे, यहाँ पे आप कुछ लेंथ भी देख पा रहे हैं एंड यहाँ पे आप कुछ हाइट भी देख पा रहे हैं, तो ये आपका टू डायमेंशनल हो गया, है ना। मैं एक्सप्लेन करूंगा टू डायमेंशनल, यहाँ पे दो टाइप्स आएंगे कैसे, एक बार आप देखते जाओ। मैं तीन चार तरीके से, ए यानी कि आपने क्या किया है, मान लो यहाँ पे ये एक एटम, ये एक वन डायमेंशनल था, वन डायमेंशनल। अब आपने जो दूसरा एटम रखते जा रहे हो आप यहाँ पे, वो आप यहाँ पे रखा जस्ट ऊपर वाले के नीचे ए, तो यहाँ पे फिर आपने यहाँ पे भी ए, ऐसे अगर आप जस्ट ऊपर वाले के ऐसे नीचे रखते जाओगे तो ये आपका बन जाएगा कुछ, ये भी आपका ए, तो ये वन, ये 2D बनेगा। अब क्या बनेगा? 2D, समझिएगा, थोड़ा सा इंतजार रखो, सब समझ में आएगा।
ये तो ये ए ए ए टाइप की अरेंजमेंट हो जाती है। यहां पे अगर आप बात करोगे तो देखिए, अब यहां पे आप अगर बात करोगे दो चॉइस है यहां पे आपके पास, एक तो आपके पास यहां पे स्क्वायर बन सकता है, एक तो आपके पास यहां पे स्क्वायर बन सकता है। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। तो इस टाइप का जो स्क्वायर बनता है इसे हम प्रिमिटिव बोलते हैं, प्रिमिटिव स्क्वायर पैकिंग। अगर आपने वहां पे देखा तो ये प्रिमिटिव टाइप का स्क्वायर बना है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये आपका प्रिमिटिव टाइप का। एक आप ये स्क्वायर बना सकते हैं यहां पे, एंड दूसरा जो आप यहां पे स्क्वायर बना सकते हैं वो कैसा, ये भी तो एक स्क्वायर बन सकता है। अभी लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन करवाया था इसकी पैकिंग के ऊपर, लास्ट क्लास में मैंने इसकी पैकिंग के ऊपर क्वेश्चन करवाया था, तो ये बात आपको समझनी है। तो यहां पे दो टाइप के स्क्वायर बन सकते हैं। बीच वाला जो बना है उसे हम सेंटर्ड स्क्वायर बोलते हैं, और ये जो स्क्वायर बना है यहां पे इसे हम प्रिमिटिव स्क्वायर बोलते हैं, है ना। इन दोनों के पैकिंग फ्रैक्शन अलग अलग आएंगे, दोनों की कहानी अलग अलग होगी, है ना। इस बीच वाले का तो मैंने क्वेश्चन करवाया भी था, अभी मैं दोनों का बताऊंगा, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगा आपको, ठीक है ना। इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखवाऊंगा दोनों के, एक बार आप समझ लो ये क्या क्या बता रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? फोर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? फोर। तो इसे हम स्क्वेयर क्लोज पैकिंग बोलते हैं, इसे हम स्क्वेयर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल बोलते हैं, स्क्वेयर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल, ठीक है। तो यहां पे देखिए, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कैन बी जनरेटेड बाई स्टैकिंग, यानी कि प्लेसिंग रोज ऑफ क्लोज टू, ये बताया गया है यहां पे, नॉर्मल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग देखिएगा, एक पॉइंट पीछे चला गया। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कैन डन बाई टू वेज, वन रो ऑफ द स्फीयर इज बिलो अदर ऑफ द, यानी कि सेम है ना, दी इफ द स्फीयर्स ऑफ टू रो आर अलाइंड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, वो आप कैसे भी कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे आपका, इन द अरेंजमेंट ईच स्फीयर इज इन कॉन्टेक्ट विद फोर अदर नाइबर्स, तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसकी बात चल रही है? टू डायमेंशनल स्क्वेयर क्लोज पैकिंग की बात चल रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर फोर होता है। अभी मैं और भी काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये ए बी टाइप का अलग है, इसे हम हेक्सागोनल बोलते हैं, ठीक है ना, इसे हम हेक्सागोनल। चलो जी, अब मैं चलता हूं 2D के ऊपर वापस से, अब मैं 2D के ऊपर वापस से चलता हूं और मैं खुद से बना के दिखाता हूं, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना जी। 1D मैंने आपको पढ़ाया, अब हम बात करते हैं टू डायमेंशनल, ठीक है ना, क्लोज पैकिंग की, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की। तो इस टू डायमेंशनल की अगर बात की जाए, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की अगर बात की जाए, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे, ये भी दो टाइप की होगी, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आपका स्क्वेयर क्लोज पैकिंग की। किसकी बात करेंगे? स्क्वेयर क्लोज पैकिंग की। अब ये स्क्वेयर क्लोज पैकिंग बनेगी कब? ए ए टाइप से बनती है, ए ए टाइप से बनती है यहां पे, ठीक है, ए ए टाइप से बनेगी। मीनिंग क्या है समझिएगा मेरी बात को। मान लो भाई, अगर आपने यहां पे ये एटम है, ये जो एटम है यहां पे, आपने पहले तो ये एक लाइन ड्रॉ कर रखी वन डायमेंशनल वाली फॉर एग्जांपल। अब उसके बाद अगर आप जस्ट यहां नीचे रखते जाएंगे, तो यहां पे अगर आप रखते जाएंगे तो क्या बनेगा आपका यहां पे, ये तो ये ए ए टाइप की अरेंजमेंट है। ये कौन सी अरेंजमेंट आपको नजर आ रही है? ये आपका ए ए टाइप की अरेंजमेंट है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, मतलब ए, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि यहां पे दो बातें हैं जी आपका, एक तो आप यहां पे स्क्वायर बना सकते हैं, इस स्क्वायर को हम प्रिमिटिव स्क्वायर बोलते हैं, प्रिमिटिव स्क्वायर बोलेंगे, और दूसरा जो है लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन करवाया था, आप ये ऐसा स्क्वायर भी बना सकते हैं, एक आप ये ऐसा, एक मिनट ये थोड़ा सा ठीक नहीं बन रहा है भाई, यहां पे मैं कोई ऐसा ले लेता हूं जिसमें बिल्कुल सही दिखे आपको, ये ले लो आप, दूसरा जो है वो आपका ये ले सकते हो, ठीक है। ये तो इस टाइप के स्क्वायर को क्या बोला जाता है आपका, इसे हम सेंटर्ड स्क्वायर बोलते हैं, सेंटर्ड स्क्वायर। अब इनसे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों की बात हम कर लेते हैं, ठीक है, दोनों की बात हम यहां पे कर लेते हैं, इनका पैकिंग फ्रैक्शन, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर, इनका सब कुछ निकालते समझते हैं। और यहां पे जो स्क्वायर बन रहा है भाई, यहां पे जो वॉइड बन रहा है वो कौन सा, यहां पे जो वॉइड बन रहा है वो स्क्वायर वॉइड बन रहा है टू डायमेंशनल, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था पहली वाली क्लास में, टू डायमेंशनल स्क्वायर यहां पे आपका वॉइड बन रहा है। तो सबसे पहले देखो यहां पे आपका जो यूनिट सेल आएंगे वो किस टाइप के आएंगे, यहां पे आपका जो यूनिट सेल आएंगे वो दो दो टाइप के। पहली बात तो देखो इसके, मैं इसको अलग निकाल लेता हूं इसमें से, ये वाली जो अरेंजमेंट है मैं इसको अलग निकाल लेता हूं एक बार, जो आपका प्रिमिटिव वाला है इसकी कैलकुलेशन करते हैं समझते हैं। तो देखिए अगर मैं प्रिमिटिव वाले स्क्वायर की बात करूं यहां पे, तो यहां पे आपका पहला क्वेश्चन ये है कि यहां पे जेड की वैल्यू क्या होगी,
यहां पे आपका जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड का मतलब होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना, इफेक्टिव। तो अगर मैं इस यूनिट सेल की बात करूं, इस स्क्वायर यूनिट सेल की अगर मैं बात करूं, है ना, समझ पा रहे हो ना, तो यहां पे मैं अब आ रहा हूं जी यूनिट सेल की बात कर रहा हूं, और ये आपका एक क्या है, स्क्वायर यूनिट सेल, और किस टाइप की है ये, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव स्क्वायर यूनिट सेल है, प्रिमिटिव स्क्वायर यूनिट सेल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे ये बनता जी, यहां पे जेड की वैल्यू क्या होगी, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो देखिए एक जो आपका सर्कल है ना, इसके अंदर वो 1/4 आ रहा है, तो ऐसे चार है, तो चार है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो इस यूनिट सेल के अंदर आएंगे वो एक, कितने होंगे, एक, ठीक है ना, प्रिमिटिव के अंदर एक। अब यहां पे बात करेंगे जी एरिया ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, तो यहां पे एरिया कितना होता भाई, देखो अब यहां पे ये जी सर्कल है, क्या है ये आपका, सॉरी ये आपका क्या है, सर्कल है, एरिया ऑफ एटम्स की बात, एक एटम का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा जी, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि टू डायमेंशनल है ना, टू डायमेंशनल में तो इसको सर्कल ही मानेंगे, तो टू डायमेंशनल में तो इसका जो एरिया होगा वो होगा पाई आर का स्क्वायर, और टोटल एटम कितने हैं, एक, तो टोटल जो एरिया हो जाएगा ये। उसके बाद यहां पे बात की जाती कि एरिया ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, एरिया ऑफ इस यूनिट सेल का एरिया कितना होगा, तो यूनिट सेल का एरिया होता है ए का स्क्वायर, यूनिट सेल स्क्वायर का तो एरिया ए का स्क्वायर होता है। बट अगर मैं आपसे बात करूं कि इसको आप निकाल के बताओ आर की टर्म में क्या होगा, इसको आप बताओ आर की टर्म में, तो देखिए इसकी अगर मैं रेडियस स्मॉल आर बोल देता हूं ये, और इसकी ये रेडियस, तो ये जो बनेगा ना आपका, इसकी जो एज बनेगी ए, ए किसके इक्वल है, तो ए तो आपका 2r के इक्वल है, इसका मतलब जो एरिया ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा वो आपका 2r का स्क्वायर हो जाएगा, वो आपका 2r का स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आ रही बात। अब मैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन बताओ क्या है, इसका पैकिंग फ्रैक्शन, तो कैसे निकालते हैं आपका एरिया ऑफ एटम्स ना, एरिया बाय द टोटल एटम्स, तो वो कितना हो जाएगा आपका, वो होगा पाई आर का स्क्वायर, एक एटम है यहां पे इफेक्टिव, एंड नीचे क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ यूनिट सेल, तो वो कितना हो जाएगा, 2πr का स्क्वायर, एंड जब आप यहां से सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 4, और ये अगर आपका पाई बाय 4 आ गया तो यहीं से आपका क्या बनेगा जी, ठीक है ना, अगर यहां से यह आ गया तो आपका यह आएगा 78.5%, कितना 78.5%, समझ में आई बात। कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो वही 4 रहेगा जी, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 ही होगा, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा आपका, 4 रहेगा, बोलिए समझ में आ रहा है क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर तो यहां पे 4 ही होता है। तो ये हमने इस टाइप का अगर यूनिट सेल है ना, प्रिमिटिव टाइप का अगर आपका स्क्वायर यूनिट सेल है, तो उसका पैकिंग फ्रैक्शन, उसका यूनिट सेल का एरिया, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, कोई भी क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछा जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछा जा सकता है। ये तो पहले टाइप का था जी। अब दूसरे टाइप का जो है आपका, यानी कि अब मैं बात कर रहा हूं इस टाइप की, और ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, वहां पे मुझे भाई आगे भी करवाना था, इसलिए थोड़ा सा वहां पे भी बता दिया। इसको हम बोलेंगे आपका सेंटर्ड स्क्वायर यूनिट सेल, सेंटर्ड स्क्वायर यूनिट सेल इसे हम बोलेंगे। अब अगर इसकी बात करोगे ये कैसा दिखाई देगा, यहां से ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, यहां से ध्यान से दिखाई देख दीजिए कि क्या होगा, कि यहां पे चार एटम्स कुछ ऐसे हैं, चार एटम्स कुछ ऐसे जुड़े हुए, आपस में तो नहीं जुड़ेंगे है ना, ये सेंटर में आप लगाओ पहले यहां पे, तो ये आपका हो गया जी ये, यहां पे एक एटम, इसी प्रकार यहां पे एक एटम, लास्ट क्लास में मैंने इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकाल के बताया था आपको ये, तो यहां पे भी क्या बनेगा आपका, एक स्क्वायर बनेगा, यहां पे भी आपका क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। ये जो यूनिट सेल बना है, अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता जी, यहां पे जेड की वैल्यू क्या होगी, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, तो आप कहेंगे चार एटम्स है लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन 1/4 है, एंड एक एटम पूरा बीच में आ गया, तो जो आपका सेंटर्ड यूनिट सेल होता है ना, जो आपका सेंटर्ड यूनिट सेल होता है ना आपका, वो आपका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स वहां पे 2 हो जाएंगे,
वहां पे आपका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 2 हो जाएंगे अगर सेंटर्ड स्क्वायर यूनिट सेल है तो। अब बात यह आएगी जी इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ एटम्स, एरिया ऑफ एटम्स की अगर आप बात करोगे तो वो हो जाएगा आपका 2 इंटू में पाई आर का स्क्वायर। अगर आप यहां पे बात करेंगे कि जी एरिया ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, वो ए का स्क्वायर ही होता है। एंड अब आप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, देखिए आप इनको लिंक कर दीजिए यहां से। अब हमें पता है कि ये हमारा किसके इक्वल होता है भाई, आपका ये हमारा टू आर के इक्वल हो जाएगा पूरा, ठीक है। ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी हमारा टू आर के इक्वल हो जाएगा। लेकिन आप यहां से ये देखिए, जब आप इसको ऐसे मिलाएंगे ना, एक ही टर्म में ही निकाल लो चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक ही टर्म में, ये टू आर छोड़ो आप यहां से, ये टू आर छोड़ो आप, इसको आप यहां से मिला दीजिए। देखो यहां से जब आप मिलाओगे, ये वाला क्या बन गया, इसका स्क्वायर का डायगोनल, तो ये भी ए है और ये भी ए है। और ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल ये बनेगा आपका, यहां से देखिएगा मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि ये आपका 4r बन जाएगा ना, r रेडियस इस एटम की, 2r इस पूरे की और r इसकी। 4r किसके इक्वल हो जाएगा, रूट टू ए के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से जो r की वैल्यू आएगी, यहां से जो r की जो सॉरी a की जो वैल्यू आएगी इन द टर्म्स ऑफ r, वो आएगी टू रूट टू इंटू में आपका r हो जाएगी। इसको जब आप यहां पे पुट करेंगे इसके टर्म में, अगर आप निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका टू रूट टू आर का स्क्वेयर कर देंगे, ठीक है ना। तो अगर आप यहां से भी पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 पाई आर का स्क्वायर एंड नीचे हो जाएगा आपका, देखो इसका स्क्वायर करोगे 4 इंटू में आ जाएगा 2 इंटू में क्या आ जाएगा आपका आर का स्क्वायर, आर के स्क्वायर से आर का स्क्वायर, 2 से 2, तो ये भी सेम आ जाएगा 78.5%। तो दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी सेम होती है, चाहे वो सेंटर्ड हो चाहे वो प्रिमिटिव हो, दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी सेम रहती है। तो जब आपने यहां पे ए ए टाइप की अरेंजमेंट दिखाई ना, तो वहां पे बनता है जी आपका स्क्वायर, जब आपने उसको बोला जाता है ए ए टाइप की जो पैकिंग होती है उसे हम टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग बोलते हैं। समझ में आई बात, समझ में आई क्या, ठीक है। अब हम चलते हैं जी, देखो ये थोड़ा सा और यहां पे लिखा होगा कुछ, टू डायमेंशनल की अगर बात करोगे, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, हैंड स्फीयर्स आर अरेंज्ड इन सिंगल प्लेन, टू अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल फॉर टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। दो है, कौन कौन सी वो मैं बताऊंगा, एक तो ए ए है ना, तो फर्स्ट है जी आपका स्क्वेयर क्लोज पैकिंग, व्हेन वन डायमेंशनल रोज ऑफ स्फीयर आर प्लेस्ड वन ओवर अनदर इन प्लेन सच दैट स्फीयर आर स्टक्ड ओवर अनदर, द स्क्वायर क्लोज पैकिंग आएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इस टाइप की को हम ए ए ए टाइप की बोलते हैं। एंड एक बात और देखना स्टूडेंट, यहां से जो ये ए ए टाइप की होती है ना, इसी से फर्दर आपका एस सी सी बनता है, सिंपल क्यूबिक, क्योंकि यहां पे एटम सिर्फ कॉर्नर पे, एक्सप्लेन करूंगा मैं क्या होता है इसका मीनिंग आगे जाके, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको टू डायमेंशनल का क्या निकालना है, अगर आपको पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है टू डायमेंशनल अरेंजमेंट में, तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एरिया ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स और आयंस पर यूनिट इन द टू डायमेंशनल यूनिट सेल एंड टोटल एरिया ऑफ द यूनिट सेल, मैंने निकाल के भी बताया आपको, समझाया यहां से कि कैसे आप निकाल सकते हैं। अगर उसके बाद हम बात करें यहां से, यस सेकेंड टाइप की जो अरेंजमेंट होती है उसे हम एच सी पी बोलते हैं, टू डायमेंशनल में ही। अब मैं आगे बात करता हूं भाई, इसको भी एक्सप्लेन करता हूं काफी अच्छे से, है ना, सारी चीजें मिक्स करके पढ़ोगे जब भी मजा आएगा आपको। तो टू डायमेंशनल की जो सेकेंड पैकिंग होती है वो कैसी होती है, टू डायमेंशनल की सेकेंड, इसे हम बोलते हैं हेक्सागोनल, है ना, इसे हम बोलते हैं हेक्सागोनल टू, इसे बोला जाता है हेक्सागोनल टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, क्लोज्ड पैकिंग एच सी पी। लेकिन ये 2D वाली है, 2D वाली, 3D वाली नहीं है, ये 2D वाली है। तो इसमें ऐसा क्या हो गया जी, इसमें ऐसा क्या हो गया, तो देखो एक एटम्स यहां पे, एक एटम्स यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, ऐसे ऐसे चलती जा रही है बात, ठीक है। अब आपने क्या किया, जो दूसरा एटम रखा है ना, वो आपने कुछ ऐसा रख दिया यहां पे, जो वॉइड था। अब देखो वहां पे जो वॉइड बन रहा था ना स्टूडेंट, जब आपने टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग करी, वहां पे स्क्वायर वर्ड बन रहा था, बट आपने जब टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पे ट्रायंगुलर वर्ड्स बन रहा है, यहां पे आपका ट्रायंगुलर वर्ड्स बन रहा है। तो इस टाइप से आप यहां पे लिखेंगे, इस टाइप से आप बनाएंगे अरेंजमेंट को, ये रहा। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिएगा यहां पे, तो उसके बाद वापिस से चलो,
है ना, जो ग्रीन है वो ग्रीन वाली बनेगी। तो ये जो अरेंजमेंट बनती है ना भाई, इसी अरेंजमेंट से आपका बनेगा यहाँ पे एक हेक्सागोनल। क्या बनेगा यहाँ से? हेक्सागोनल बनेगा। तो इसको टू डायमेंशनल में है ये, है ना, 2D प्लेन में ही बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए। तो देखो समझते हैं इसको, यहां से समझा जा सकता है काफी अच्छे से। मान लिया कि मैंने ये आपका जी सेंटर, ये वाला आइटम, तो यहाँ पे इसका, ये इसका, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये। अगर आप इनको मिला देंगे सभी को, अगर आप इन सभी को मिलाएंगे, तो आपको यहाँ पे क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? आपको यहाँ पे एक हेक्सागोनल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे एक हेक्सागोनल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा इस पॉइंट से। समझ में आई बात? तो इसी को बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। लेकिन ये टू डायमेंशनल की बात हो रही है, यहाँ पे टू डायमेंशनल की बात हो रही है, ठीक है। अब बात ये आती है जी, सबसे पहले यहाँ पे जो यूनिट सेल आएगा वो किस टाइप का आएगा? तो उस जो यूनिट सेल होगा ना यहाँ पे आपका, वो भी हेक्सागोनल ही होगा। कैसा होगा वो? हेक्सागोनल होगा वो आपका इस प्रकार से 2D में। उसके बाद ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, भाई अगर आपका ये हेक्सागोनल बन रहा है तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स बताओ कितने होंगे इसके अंदर। तो कितने भाई? देखो 6 तो ये हो गए, 6, और इनका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? देखो अब ये जो आ रहा है ना, ये 1/6 कौन सा हिस्सा आ रहा है? ये 1/3 हिस्सा आ रहा है। कैसे? देखो अगर मैं बात करूं, ये आपका सर्कल है और यहां से आपका, आपसे लगभग इतना डिवाइड कर दिया गया है ये, क्योंकि ये एंगल देख लो ना आप, ये पूरा एंगल शायद जो होगा आपका, ये वाला जो एंगल है वो 120 डिग्री होता है, पूरा सर्कल 360, और ये वाला जो एंगल है वो आपका 120 डिग्री है। इसका मतलब एक तिहाई हिस्सा जो है वो इस यूनिट सेल में आ रहा है, एक तिहाई। तो 6 ऐसे हैं जिनका कंट्रीब्यूशन 1/3 है, एंड प्लस में आप देखोगे कि बीच में एक पूरा ही आपका आ रहा है, ये वाला तो पूरा ही एटम आ गया। तो यहां पे अगर आप बात करेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो आ जाएंगे वो कितना होगा? 3, है ना। टू डायमेंशनल एचसीपी में अगर आप इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की बात करोगे तो वो हो जाएगा 3। उसके बाद अगर हम यहां पे बात करें एरिया की, कि एरिया ऑफ एटम्स, है ना, एरिया ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, भाई एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, तो एरिया किसका? अब यहां पे जो एरिया है ना वो तो एटम्स तो सर्कल ही है, टू डायमेंशनल तो सर्कल ही है, तो वो कितना बन जाएगा आपका? 3 एटम्स है इंटू में आपका पाई आर का स्क्वेयर, इंटू में पाई आर का स्क्वेयर ये रहा। अब बात ये आएगी जी एरिया ऑफ यूनिट सेल, है ना। अब नेक्स्ट जो पॉइंट बनेगा यहां पे वो ये बनेगा कि बताओ एरिया ऑफ यूनिट सेल। अब यहां पे जो यूनिट सेल बन रही है ना भाई, वो हेक्सागोनल बन रही है, तो इसका जो एरिया होता है ना हेक्सागोनल का, तो आप यहां पे देख सकते हैं 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे यहां से, अगर आप इनको मिलाएंगे। देखो यहां से इसको, 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 तो यहां पे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, ठीक है ना, एक का निकाल लो और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो भाई 6 से मल्टीप्लाई की और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 इंटू में क्या कर देते हैं यहां पे भाई आपका, इनटू में क्या कर देते हैं आपका ए का स्क्वायर, और यहां पे आप उसको भी जब कन्वर्ट करोगे आर के टर्म में वो आएगा 2R के इक्वल। किसके इक्वल आएगा? 2R। क्यों क्यों आएगा 2R के इक्वल? क्योंकि दो एटम्स जब जुड़ेंगे ना, आर रेडियस इसकी और आर रेडियस इसकी, आर रेडियस इसकी एज लेंथ जो बनेगी वो यही बनेगी, तो इसका कर दिया जाता है आपका स्क्वायर, इसका कर दिया जाता है स्क्वायर। तो अगर आप बात करोगे ना कि एरिया ऑफ यूनिट सेल क्या होता है टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, तो वो आपका किसके इक्वल आ जाएगा? वो आएगा आपका 6√3 इंटू में आपका आर का स्क्वायर, ये आपका एरिया हो जाता है ए। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा जी? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। यहाँ पे किस टाइप का वॉइड देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको ट्रायंगुलर वॉइड्स देखने को मिलेगा इस टाइप के अरेंजमेंट में, और इस टाइप की अरेंजमेंट को ही हम क्या नाम देते हैं, इसी टाइप के अरेंजमेंट को ए बी टाइप की, ए बी, टू डायमेंशनल है लेकिन ये, है ना। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? कमेंट करके बता दीजिए मुझे। अब यहां पे लास्ट जो पॉइंट जी जो हम निकालते हैं वो है हमारा पैकिंग फ्रैक्शन।
पैकिंग एफिशिएंसी, तो वो कैसे हो जाएगी, ऊपर करेंगे 3 इंटू में पाई आर का स्क्वायर, नीचे करेंगे 6 इंटू रूट 3 इंटू पाई आर का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, इससे ये रूट 3 ऊपर चला जाएगा, एंड जब आप सोल्व करोगे तो ये लगभग आएगा 0.9, और अगर आप परसेंटेज की बात करेंगे तो 90% पैकिंग एफिशिएंसी होती है, 90%। अरे भाई वर्ड देखो, वो जब स्क्वेयर क्लोज पैकिंग देखी वहां पे स्क्वेयर वर्ड बन रहा था, बड़ा वर्ड है, सीधी सी बात है, स्क्वेयर तो वैल्यू भी निकाल के बताई मैंने उसका रेशियो क्या होता वो, और ये ट्रेंगुलर वर्ड छोटा, तो यहाँ पे पैकिंग तो अच्छी होनी है, अगर वहां पे 78.5% थी यहाँ पे 90% तो बिल्कुल सही है, होनी भी चाहिए इतनी तो, ठीक है ना। तो ये थी जी आपकी सेकेंड टाइप ऑफ पैकिंग, ये थी जी आपका सेकेंड टाइप ऑफ पैकिंग, जिसे हम क्या नाम दे देंगे, जिसे हम क्या नाम देंगे, तो ये रहा। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ना तो यहाँ से पढ़ सकते हो, देखिए ऑलरेडी, एंड मैं आपको दिखा भी दूंगा इसमें स्ट्रक्चर बना के। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, व्हेन वन डायमेंशनल रोज ऑफ स्पीयर आर प्लेस्ड वन ओवर अनदर इन द प्लेन सच दैट स्पीयर्स ऑफ वन रो, तो एक दूसरे के बीच में आए ऐसे, ठीक है, तो ये बनेगा पूरा। तो यहाँ पे देखिए स्क्वेयर क्लेज, इन दोनों में से कौन सी पैकिंग अच्छी होती है, कौन सी अच्छी है, स्क्वेयर अच्छी है या हेक्सागोनल अच्छी है, यार हेक्सागोनल अच्छी है। स्क्वेयर क्लोज पैकिंग फॉर्म लार्जर स्क्वेयर प्लेनर वॉइड बनाती है, ठीक है ना, ये मैंने आपको पढ़ाया। हेक्सागोनल जबकि स्मॉलर ट्रायंगुलर वॉइड्स बनाती है, हेंस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज मोर एफिशिएंट देन क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसीलिए वो ज्यादा अच्छी पैकिंग मानी जाती है, एचसीपी आपका ज्यादा अच्छी पैकिंग मानी जाती है। तो ये देखो अभी यहां से भी मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं, तो देखिए यहां से आपका ये आपको एक हेक्सागोनल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसी को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोला जाता है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज दिस, नियरेस्ट नाइबर 6 हो जाएंगे यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, तो ये आपका होती है जी आपका ना, तो यहाँ पे आप ए रो स्फीयर लाई वन ओवर द अदर, दिस अरेंजमेंट इज लेस स्पेस, दिस पैकिंग इज मोर एफिशियंट देन स्क्वेयर, the center of six sphere are at the corner of regular hexagonal, तो इसीलिए इसे टू डायमेंशनल hexagonal क्लोज पैकिंग भी बोल देते हैं, ठीक है ना, इसी को हम बोल देते हैं। तो ये वर्ड्स के बारे में थोड़ा सा बताया गया भाई, हालांकि मैंने आपको वर्ड समझाए थे उसका एनिमेशन आप देख सकते हैं, देखो कैसे आ रहा है यहाँ पे, एक बार सुनिए इसको, देखिए देखिए इन दिस अरेंजमेंट वी ऑब्जर्व सम वर्ड्स है एम्प्टी स्पेस इन ट्रेंगुलर वर्ड्स, उसे ट्रेंगुलर बोल देंगे। तो देखो यहां पे आपने ये रखा, अब अगर आप कोई एटम रखेंगे, अब नेक्स्ट देखना यहाँ पे, तो जैसे ही आपने रखा तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा व्हाइट कलर का दिख रहा है आपने एटम जैसे रखा, उसके बाद देखो यहाँ पे रखा तो देखो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, इन्हीं को हम ट्रेंगुलर वर्ड्स बोलते हैं, लास्ट जो इससे पहले वाली क्लास थी उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब बात करते हैं जी 3D की, 2D में हो गया जी इतना ही है 2D, तो 3D बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3D में आपको तीन टाइप की अरेंजमेंट्स देखने को मिलती है, 3D में आपको तीन टाइप्स की अरेंजमेंट देखने को मिलती है, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो 2D में भाई तीनों केस समझ में आ गए ना, स्केयर के दो केस, उनके पैकिंग फ्रैक्शन, उनका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकालना, सब कुछ कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं जी 3D, तो इसमें एक AAA टाइप, एक AB टाइप और एक ABC टाइप, तीन टाइप से बनेगी जी कहानी यहाँ पे। तो कैसे होती है जी, सबसे पहले पैकिंग इन सॉलिड, देखो सबसे पहले ये आपका एक प्लेन में रखे हुए, ये 2D है, और ये कौन सा 2D है स्टूडेंट, ये कौन सा 2D है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं, तो ये आपका कौन सा 2D है, यहां से देख लीजिए, ये आपका स्क्वायर वाला है, ये आपका स्क्वायर प्लेनर 2D है, ये आपका क्या है, ये आपका स्क्वायर प्लेनर 2D आपको नजर आ रहा है। अब मान लो ये आपकी पूरी अरेंजमेंट, इस पूरी अरेंजमेंट को मैं ए बोल रहा हूं, ए इस पूरी अरेंजमेंट को, अब मैंने इसके ऊपर ही मैं लगातार रखता जा रहा हूं, इसके ऊपर मैंने एक और रो उठा के रख दी, ठीक है, तो अब ये 3D हो गया। देखो लेंथ, देखो यहां पे आपका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आ जाएंगी, तो ये भी आपका ए है, बिल्कुल आपने जैसा ए था उसके ऊपर वैसा ही, ठीक है, यहां पे भी आप देखेंगे इसके ऊपर आप रखते जाओ, तो ये जो पैकिंग बनेगी ना, इसी पैकिंग को बोला जाता है आपका AA टाइप 3D में। थोड़ा सा मैं यहां पे हो जाता हूं,
ठीक है ना, शायद फिर मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा वहां पे, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, शायद आपको दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है, कोई बात नहीं है। तो ये जो पैकिंग होती है ना, ये थ्री डायमेंशनल, और इसे हम ए ए टाइप की पैकिंग बोलते हैं। तो ये क्या बनेगी, ए ए टाइप की अरेंजमेंट बन जाएगी। और यहां से देखो, जब आप इनको मिलाएंगे ना सभी को, तो यहां पे आपको एस सी सी बनता हुआ दिखाई देगा, एस सी सी। ये देखो, इसको अलग से उठाया, देखो इसको इतने पोर्शन को मिला के बाहर लेके गए, तो ये जो आपको नजर आता है ना, ये एससीसी टाइप का होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखो, जब आप एटम्स को ऐसे रखेंगे ना इस ऑर्डर में, तब जाके वहां पे निकलता है, यहां से ये बनेगा, एक छोटा सा यूनिट सेल उठाया है, आप देख सकते हो कि ये इस टाइप से बनेगा, है ना। ये कॉर्नर पे एटम रखे हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए होते हैं, ये पूरा मान लो एक आपका क्रिस्टल, तो उसका एक पार्ट, समझ में आया। तो ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, जब आप जो स्केयर टू डायमेंशनल स्केयर क्लोज पैकिंग है उसके ऊपर रखते जाओगे रखते जाओगे रखते जाओगे, तब जाके ये बनता है, ठीक है। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो 6 होता है, मैंने पढ़ाया है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो नियरेस्ट नाइबर है वो 6 होते हैं, ये मैंने पढ़ाया है, ये दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका था जी ये। बिफोर वी अंडरस्टैंड ए बी ए बी एंड ए बी सी टाइप, लेट्स वर्ड्स, वर्ड्स जो है वर्ड्स मैंने बताया एम्प्टी स्पेस होता है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे, दोबारा से मतलब थोड़ा सा समझ लो। ये लेयर ए है, ये देखो ये कौन सी है, ये ए बी टाइप की है भाई। अब ये आपका ए बी टाइप की अरेंजमेंट है, यहाँ पे अभी तक तो ट्रायंगुलर वर्ड्स दिख रहा है, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनाएंगे, थोड़ा सा आपको एनिमेशन। तो ये जैसे ही आपने इनके ऊपर एक और अरेंजमेंट रख दी, तो ये जो वर्ड अब आपको खाली दिखाई दे रहा ना, ये वैसे दिखाई देगा नहीं जब आप एटम रखोगे, लेकिन अभी के लिए जो ये वर्ड है ये टेट्राहेड्रल वर्ड बन जाएगा। लास्ट क्लास में मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी कि कैसे होता है ये, ठीक है। तो ये आपका बनेगा जी टेट्राहेड्रल वर्ड, लेयर बी, लेयर ए और लेयर बी, ये टेट्राहेड्रल। ये ओक्टा, देखो ये ओक्टा ऐसे बनता है भाई, मैंने बताया था ना, एक एक जो है वो उसकी अलाइन, ये देखो ये ऊपर की तरफ है ये वाला, अगर मैं इस वाले नीचे वाले येलो में जो दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं ट्रायंगल तो आपको नजर आ रही है ऐसे, अगर मैं इस ऊपर वाली ब्लैक वाली की बनाऊं तो ब्लैक वाली की आ रही है ऐसे, और बीच में जो ये नजर आ रहा है इसी को ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बोलते हैं। लास्ट क्लास में मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हालांकि यहाँ पे इमेजेस से आपको अगर अच्छे से समझ में आ जाए तो उस जैसी तो बात ही नहीं है, मजा आ जाएगा, है ना। तो ये राजी, तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ठीक है। लेयर बी प्लेस ऑन द डिस्पर्जन ऑफ ए में यहाँ पर दिखाया गया है, फर्स्ट स्फीयर, सेकंड स्फीयर, थर्ड स्फीयर, इसके ऊपर फोर्थ स्फीयर रखना है यहाँ पे ये, और यहाँ पे जो वर्ड बनेगा फोर्थ स्फीयर रखने के बाद, इसी को टेट्राहेड्रल, इसी को टेट्राहेड्रल वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। इसी को अ टेट्राहेड्रल वर्ड इज फाउंड व्हेन फोर्थ स्फीयर इज प्लेस्ड ओवर द डिस्पर्जन ऑफ थ्री स्फीयर, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये कुछ ऐसा दिखाया गया भाई, एक्सप्लेन मैंने कर दिया था, ये सिंपली बस बता रहा हूं। तो ये है देखो, जो वहां पे 3D में चीजें समझ में, वहां पे 2D में जो चीजें समझ में नहीं आई होगी, अब आप यहां से सीख सकते हैं, ठीक है ना। ये वैसा ही वही कहानी है सेम। नेक्स्ट होता है जी व्हेन स्फीयर ऑफ सेकंड लेयर इज अबव फर्स्ट लेयर, तो यहां से टेट्राहेड्रल, इसको टेट्राहेड्रल वर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे ये टेट्राहेड्रल जैसी स्ट्रक्चर शो करता है ना, वही बातें हैं। लोकेशन, इसके बारे में मैं डिटेल डिस्कशन अलग क्लास में करूंगा, यहां पे नहीं कर रहा हूं भाई, यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रख लेना। लोकेशन जो होती है वो क्या होती है वो मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेनेशन दूंगा, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, बस देख लो चाहे आप इसको, ठीक है। इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा भाई कि लोकेशन क्या होती है, लोकेशन एक डिफरेंट अलग पार्ट है, उसको पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, कोई भी परेशानी और घबराने वाली बात नहीं है। ऑक्टाहेड्रल की कहाँ होती है ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अलग से, ये मैं अलग से भाई नेक्स्ट क्लास में इसी के ऊपर आएंगे। हाँ, अब पैकिंग में आगे जी, तो हमने ए ए ए टाइप समझ ली, ए ए टाइप से आपका वो बनता है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं पैकिंग इन थ्री डायमेंशनल, ए बी टाइप। तो इसमें देखो, सबसे पहले ये हमने पीछे डिस्कस किया था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, वो बताया गया है। तो यहां पे एक आप ऐसे आइटम रखते जा रहे हो, अब देखो ये आपकी ए अरेंजमेंट थी, ये आपकी ए थी, अब आपने ए जैसा नहीं रखा, आपने बी जैसा, याद करो 2D HCP बना था, टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनी थी वो, टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनी थी वो, फिर आपने फिर से ये रखा, पहले तो आपने ये रख दिया, हेक्सागोनल बना लिया था, अब आप ये तो हेक्सागोनल बन गया, यहां पे उठा के रख दिया इस हेक्सागोनल को, अब आप क्या रख रहे हैं, इसके ऊपर रख रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरी नीचे वाली अगर हम कहें ए हो गई पूरी ए, उसके बाद पूरी ए, क्या कह रहा हूं मैं स्टूडेंट, समझना मेरी बात को। अब ये जो पूरा है ना, ये जो कलर दिखाई दे रहा है ये पूरा ए टाइप का है, ठीक है ना।
वैसे वहां 2D में ये AB टाइप का था, ठीक है, लेकिन 3D में ये पूरा A है। नीचे देखो, 3D में ये पूरा एक A बन गया, ये A। उसके बाद देखना, मैं इसको और भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब आपने यहां पे देखो, इसके ऊपर रखा। एक चॉइस तो आपकी यही थी कि आप इसी के ऊपर रख देते, यहीं पे रख देते, तो वो कोई अरेंजमेंट बनती नहीं, वो कोई अरेंजमेंट नहीं बनती है। अब आपने क्या किया भाई, यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ना, यहाँ पे रखा। यहाँ पे अगर यहाँ पे रखोगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा और ये एक बी टाइप की अरेंजमेंट आ जाएगी, है ना। अब देखो मैं रखता जा रहा हूँ यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे रखा एटम, देखो ये, देखो यहाँ पे, उसके बाद एक यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे, ऐसे रखते गए। तो ये जो है ना, ये जो अरेंजमेंट बनी, ये आपका बी टाइप की अरेंजमेंट बन गई। देखो ये जो तीन एटम्स, क्योंकि मैं सिर्फ इस हेक्सागोनल की बात कर रहा हूँ, इसको मैं बना के दिखाऊंगा अपने हाथ से, वहां से ज्यादा समझ में आता है। एक बार आप देख लो, जब आपने ये रखा इस हेक्सागोनल के अंदर, देखो सिर्फ इस हेक्सागोनल के अंदर नीचे वाला पार्ट, उसके बाद ये तीन ही आ रहे हैं ना, अरे ये तीन ही आ रहे हैं इस हेक्सागोनल के अंदर तो। हाँ ठीक है, उसके बाद ये बन गया जी, जो ये सेकंड अरेंजमेंट, पहले नीचे वाली ए थी, अब ये वाली जो अरेंजमेंट है ये बी, और तीसरा आप सेम रख दो ए टाइप का ही। तीसरा आप सेम का मतलब क्या है कि यहाँ पे ए, यहाँ पे जो जैसा ए रखा हुआ ना, वैसे के वैसे आइटम रख दो। तो देखो तीसरा रखते हैं, तो तीसरा ए और बी हो गया यहाँ पे। तो ये वापिस से देखो, तीसरा वैसे ही रखा है हमने जैसा कि, देखो अब आपको पता लग जाएगा कि ये आपका बी टाइप का है, मतलब ए टाइप का। कैसे, अब ये जैसे ही रखा ना, नीचे वाला नहीं दिख रहा है, ये जैसे ही रखा ना आपने, नीचे वाला नहीं दिखा। लेकिन आप ये देखो, इस हेक्सागोनल में आप ये देखिए, तो आपको ये नजर आ रहा है। जब आप इसे 3D में देखोगे ना, जब आप इसे 3D में देखोगे तो ऐसे, सबसे पहले लेयर ये थी ए, ये फिर आपका आ गई थी बी, और ये आ गई थी फिर से ए। और जब आप इसको मिलाओगे ना, ये भी आपको एक हेक्सागोनल बनता हुआ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये भी आपको एक हेक्सागोनल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बट ये वाला जो हेक्सागोनल है ना, दिस इज थ्री डायमेंशनल, ये आपका 3D है, ये थ्री डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं इसे। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आई तो अभी आ जाएगी, मैं इसको बना के दिखाऊंगा, पूरी प्रॉपर्टी समझाऊंगा। तो ये देखिए, ऐसे ही चलता जाएगा फिर ऊपर, है ना, ये ए, फिर ऐसे ही ऊपर चलता जाएगा। तो यहाँ पे तो ये अरेंजमेंट बनेगी, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर बोलेंगे इसे भी, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक बोला जाता है। ये भी ए बी टाइप की है, बट ये थ्री डायमेंशनल, जो मैंने पढ़ाई थी वो 2D, ये 3D होती है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, अगर आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करेंगे कि इसका HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर स्फीयर कितना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितना होता है, तो देखो अगर हम बात करें तो 12 होता। कैसे, ये वाला 6, यहां से 6, ये जो रेड है 6 यहां से टच कर रहा है, तीन इसके नीचे और तीन इसके ऊपर, तो टोटल 12 हो गए ना। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है भाई, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 होता है, HCP का, 3D का कोऑर्डिनेशन नंबर 12। इसी को यहां पे भी दिखाया गया है, ठीक है, ऐसे देख सकते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो कितनी मैंने भाई आपको अलग अलग समझा दी है, पूरी इमेजेस दिखा दी हैं। अब मैं हाथ से भी बना के दिखा देता हूँ, खुद के हाथ से बना के दिखा देता हूँ, उससे ज्यादा समझ में आती स्टूडेंट को। और जो इसके और पॉइंट है वो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे हाइट भी आएगी भाई, उस हाइट की भी बात करनी है। देखिए एक और काफी कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी लिखवाऊंगा और सारी चीजें। तो यहाँ पे देखिए, इन हेक्सागोनल यूनिट सेल देर आर 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑल आर इंटरनल, है ना। ये वॉइड्स जो है, इनकी बात बाद में बात करेंगे, मैं वॉइड्स के लिए अलग से क्लास लूंगा। एक तो वो थी जो बेसिक थी, वो तो उसके लिए तो अलग से क्लास लेनी है। एबीसी बाद में, एबीसी बाद में। अब वापिस से आ जाते हैं एबी, एबी हाथ से बना के समझाता हूं आपका। तो जो 3D होती है वो 2 टाइप की, सबसे पहला होगी भाई आपका 3D क्लोज पैकिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बनती है वो FCC टाइप, सॉरी SCC टाइप की बनती है, वो मैंने बना के दिखाया था, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम, इसे AA टाइप बोलते हैं। हाँ ये होती है ना, ये होती है जी आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन ये अगर आपने 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से 3D बनाया तो वो आपका 3D वाला ही बनता है, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पे ट्रेंगुलर वॉइड्स बनेंगे, वो सारी चीजें तो है ही है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ जी अपने पॉइंट की तरफ, जो मुझे एक्सप्लेन करना है, जो आपको समझाना है, और ये कैसे बना है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये 2D में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। देखिए स्टूडेंट, देखिए और फिर इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इसको अगर आप अपने उससे बनाना चाहते तो कैसे, देखो तीन आप बना लो यहाँ,
आपने क्या लिया यहाँ पे बीच में, एक ले लो, ये आपने बीच में लिया, यहाँ पे एक, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे ये एंड यहाँ पे ये, छह आ गया। इनकी नंबरिंग कर लो आप एक बार। इसको मैंने बोल दिया जी वन, इसको बोल दिया टू, इसको बोल दिया थ्री, इसको बोल दिया फोर, इसको बोल दिया फाइव, इसको बोल दिया सिक्स, यहाँ पे हो गया सेवन। ये आपका ए टाइप की लेयर होगी। उसके बाद यहीं पे देखिएगा, इस सेवन जहां पे आ रहा वहां पे ये, ठीक है, एंड वहां पे जहां पे सेवन आया था ये, उसके बाद यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, तो इसे एट बोल दो, इसे नाइन बोल दो, इसे टेन बोल दो। उसके बाद नीचे जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये, उसके बाद इसे 11 बोल दो, इसे 12 बोल दो, इसे इसे 13 बोल दो, इसे 14, इसे 15, इसे 16 और इसे 17। अब देखो इससे कैसे बनता है, ऐसे कैसे बनेगा, कैसे दिखाई देगा आपको कभी बनाना पड़ जाए तो। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। ये ऊपर हो गया जी आपका वन टू, यहाँ पे ये आपका वन एंड ये आपका टू, छः कहीं यहाँ पे आएगा छः, ये बीच में सात, ये बीच में आठ, यहाँ पे फिर से ये एंड यहाँ पे फिर से ये। तो ये हमारा एक, ये हमारा दो, ये हमारा छ, ये हमारा तीन, ये हमारा पांच, ये हमारा चार, ठीक है, ये हमारा सात। इसको आप मिलाओ, मिलाइए इनको आपस में, ये मिलाया आपने तो ये बन गया, क्या बन गया, एक हेक्सागोनल दिख गया आपको, ये रहा, ठीक है। इसको चाहे आप यहां से ऐसे भी मिला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब थोड़ा सा बन जाएगा ये, ठीक, यहां से ये, यहां से ये एंड यहां से आप इसको ऐसे मिला लीजिए, ऊपर बन गया नीचे। इसके बाद देखो यहाँ पे छे के नीचे आपको नजर आएगा 12, यहाँ पे छे के नीचे क्या नजर आने वाला है आपको, एक मिनट रुकिएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। छे के नीचे आपको यहाँ पे 13 नंबर नजर, ये आपका 11 12 12 ही आएगा। तो ये जी बनेगा आपका यहाँ पे छे के नीचे बनेगा आपका, या पहले आप इसको ऐसे ही बना लो जैसे आपने ये बनाया, तो यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे इसी प्रकार से ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, ठीक है ना। इसको छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे आपका आ जाएगा ये, यहाँ पे आ जाएगा आपका ये, ठीक है। तो ये जो बना जी, ये 11 नंबर बना है, ये आपका बना है जी, सॉरी, हाँ ये थोड़ा सा 16 यहाँ पे बनेगा, ये 16 एंड यहाँ पे बनेगा जी आपका 12, 17 एंड 15, ठीक है। यहाँ पे बनेगा जी आपका ये 13 एंड ये आपका बनेगा 14, ऐसे बनेगा। तो 6 को 12 से मिला दिया, तो यहाँ पे भी पहले आप बना लो, चाहे एक यहाँ पे पहले आप एक हेक्सागोनल ड्रॉ कर लो चाहे इनका आपस में, ये किया। अब देखो 6 को 12 से जोड़ोगे, 5 को किससे जोड़ोगे, 5 को, इसको मैं ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे 5 को किससे जोड़ोगे, 5 को जोड़ोगे आप 13 से, तो 5 को 13 से, 4 को जोड़ोगे 14 से, 3 को जोड़ोगे 5 से, उसके बाद 1 को जोड़ोगे किससे, 1 को जोड़ोगे आप 11 से एंड उसके बाद आप 2 को जोड़ोगे, 2 को जोड़ोगे यहां से, और यहां बीच में कहीं पे है ना, बीच में कहीं पे इनको टच करते हुए, तो यहां पे जब आप इस सात सात से आएंगे, 7 से जब आप आएंगे 17 पे, तो यहां पे आपका आएंगे तीन ऐसे ये, और ये कौन सा हो गया जी, ये 8, ये कौन सा हो गया, ये 9, और ये हो गया आपका 10 नंबर। समझ में आ, दिख रहा है ना थ्री डायमेंशनल, दिख रहा है ना 3D HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D। अब यहाँ पे भाई इसके जो पॉइंट्स हैं, जो हमें ध्यान में रखने हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, वो हम सबसे पहले यहाँ पे नोट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है जी, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स बताओ जेड कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जेड कितने होंगे। तो ये देखो आप, पहले तो ये 12 आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो एटम अगर आप यहाँ पे रखोगे फॉर एग्जाम्पल, इसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा इसके अंदर, इसका कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, इसका आएगा 1/6 टाइम। क्यों? क्योंकि पहले जो एंगल 120 था ना आपका, अब इसके आने से वो हेक्सागोनल यहां पे ये ड्रॉ करने से आपका वो कितना बन गया, वो बन गया आपका 60। तो 360 और 60 से डिवाइड करोगे तो ऐसे कितने हैं जहां पे ये रखोगे आपको इस टाइप से, तो यहां पे 6 ऊपर और 6 नीचे 12, 12 है, 12 कॉर्नर बोल सकते हैं इन्हें हम, 12 ये कॉर्नर है, इनका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/6 प्लस में। अब देखो ये 7 नंबर पूरा आ रहा है बीच में, ये भी पूरा आ रहा है, तो दो जो फेस के सेंटर है इस हेक्सागोनल का, तो ये फेस का सेंटर हुआ ना इस हेक्सागोनल, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन वो कंप्लीटली होगा, तो यहां मतलब कंप्लीटली नहीं होगा, ये 1/2 होगा। कैसे, देखो
ये 1/2 कैसे होगा, ये पूरा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये ऊपर ये नीचे भी तो शेयर्ड है ना, इसका जो ये जो फेस होगा ये ऊपर भी शेयर्ड है और नीचे भी, तो इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन वो 1/2 आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे तीसरा कि यहाँ पे आपका ये वाले जो एटम्स है तीन, जो ये तीन नजर आ रहे हैं ये पूरा यूनिट सेल के अंदर ही आ रहे हैं, कौन से 8, 9 और 10, तो टोटल अगर आप देखोगे ना तो यहां से 2 + 1 + 3, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो आ जाएंगे ना आपके पास यहां पे, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो आ जाएंगे ना यहां पे वो 3, 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट, मैंने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था कि जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर वो 12 होगा। कैसे 12 होगा भाई? इस वाले को आप फिक्स कर लें तो 6 तो यहां से टच कर रहा है 3 से नीचे और 3 से ऊपर, क्योंकि अब अगर ये ए है तो ये बी है, अगर ये ए है तो ऊपर बारी बी की आएगी, बी बोले तो 3, तो 6 तो नीचे ए की प्लेन में, 3 ऊपर और 3 नीचे, ऐसे ठीक है। अब उसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट बनता है जी यहां पे वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अब यहां पे वॉल्यूम आ गई वहां तक तो एरिया, क्योंकि भाई 3D है, अगर 3D है तो वॉल्यूम ही आएगी, तो यहां पे करेंगे 6, क्योंकि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 6 है, इनटू में 4/3 πr³, क्या करेंगे इनटू में 4/3 πr³, ये आ जाएगी। उसके बाद अगर बात करें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और यहां पे किस टाइप का, थ्री डायमेंशनल हेक्सागोनल यहां पे बन रहा है, क्या बन रहा है यहां पे, थ्री डायमेंशनल। तो अब हम यहां पे बात करेंगे आपका वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्या है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहां पे देखिए ये हेक्सागोनल और यहां पे हाइट भी है, जैसे मैंने डेंसिटी वाला क्वेश्चन सोल्व करवाया था स्टूडेंट, जैसे मैंने डेंसिटी वाला क्वेश्चन सोल्व करवाया था वैसा ही कुछ। तो इसका जो फॉर्मूला होगा ना, वॉल्यूम ऐसे नहीं निकलेगी, वॉल्यूम इसकी ऐसे निकलेगी कि बेस एरिया ऑफ यूनिट सेल, बेस एरिया ऑफ यूनिट सेल, यानी कि ये जो है ना ये आपका बेस एरिया, इसको हम बेस एरिया बोल सकते हैं, ठीक है, ये बेस एरिया और इसकी हाइट, बेस एरिया ऑफ यूनिट सेल एंड इनटू में मल्टीप्लाई कर देंगे इसका हाइट ऑफ यूनिट सेल से, इनटू में मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट ऑफ यूनिट सेल से, इनटू में मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट ऑफ यूनिट सेल से, ठीक है। अब देखो भाई बेस एरिया कितना आएगा, तो पहले तो यहां पे ये देखना पड़ेगा कि जब नीचे इसकी बात करोगे तो यहां पे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसका एरिया 6 इनटू में मैंने बताया था √3/4, एंड यहां पे कितना हो जाएगा आपका r, किसके a किसके इक्वल आएगा, a किसके इक्वल, दो एटम आपस में जुड़े रहेंगे ये, तो वो हो जाएगा आपका 2r³, इस बार क्यूब आएगा, इस सॉरी स्क्वायर ही होता, बेस एरिया ना तो स्क्वायर ही होता है, तो ये आपका क्या आ गया भाई, बेस एरिया आया ये, ये क्या आपका बेस एरिया ऑफ यूनिट सेल, बेस एरिया ऑफ यूनिट सेल। अब डायरेक्ट भी याद रख लेना, क्योंकि वो डेंसिटी वाला न्यूमेरिकल आपका बिल्कुल आराम से सोल्व हो जाता है अगर आपको डायरेक्ट ये याद होता है। तो यहां से ये आता जी आपका 6 इंटू में √3 इंटू में आ जाएगा आर का स्क्वायर, ये बेस एरिया। अब यहां से जी हाइट कैसे निकालेंगे, तो देखो हाइट निकाल सकते हो कैलकुलेशन करके, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट याद रखिएगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये हाइट याद रखिएगा, इसकी मैथ से निकाली जाती है, हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन आए भाई इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात करें यहां पे हाइट ऑफ यूनिट सेल कितनी हो जाएगी, तो वो डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा, हाइट बोले तो ये हाइट भाई यहां से यहां, यहां से यहां की जो ये हाइट है ना, ये पूरी हाइट है, ये कितनी होगी, तो ये होगी आपका भाई 4 यहां पे r, एंड यहां पे हो जाएगी √2/3, कितनी हो जाएगी 4r/√√, ये तो ये याद रखनी है आपको हाइट कितनी होती है। अगर हाइट याद रख लिया ना भाई बहुत आसान हो जाएगा, अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो उसको सोल्व करना आसान हो जाएगा, ये हाइट होती है। अब आपके पास सब कुछ आ गया, आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं यहां से डायरेक्ट, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में निकाल देता हूं वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। तो यहां पे अगर हम बात करें कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितनी आ जाएगी, तो वो हो जाएगी आपका 6 इंटू √3 इंटू में r का स्क्वायर, एंड इंटू में कर देंगे हाइट, हाइट आएगी यहां पे 4r इंटू में √2/√3, तो सोल्व करोगे तो यहां से कितनी आ जाएगी, अगर आपसे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किस टाइप का, थ्री डायमेंशनल एचसीपी की वॉल्यूम पूछे, तो डायरेक्ट याद रखना वो होती है आपका 24, है ना, 24 इंटू √3 इंटू में आपका r का क्यूब, ये होती है भाई। r का मतलब यहां पे रेडियस ऑफ एटम से है, r का मतलब यहां पे रेडियस ऑफ एटम से है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। अब निकालेंगे जी अपना पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी, तो टोटल कितने एटम है, 6,
टोटल कितने आइटम है, 6 है ना, कितने हैं 6, बाकी हमने निकाल ही रखा है वो तो भाई ऑलरेडी। तो टोटल वॉल्यूम कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ऊपर आएगी आपका 8 पाई आर क्यूब, क्योंकि निकाल रखा है ऑलरेडी, 8 पाई आर क्यूब आ जाएगी, और नीचे कितनी हो जाएगी 24 रूट 2 इंटू में आर का क्यूब, आर के क्यूब से आर का क्यूब कैंसिल, इसको जब सोल्व करोगे तो ये आएगी जी आपका 74%। कितनी 74% पैकिंग एफिशिएंसी होती है, 74% आपका पैकिंग एफिशिएंसी होती है। स्टूडेंट मुझे बोल बताओ समझ में आ रहा है क्या आपको, बताइए, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक एक पॉइंट। तो एक एचसीपी मैंने पढ़ाया टू डायमेंशनल में, दूसरा एचसीपी मैंने पढ़ाया थ्री डायमेंशनल में, समझ में आ जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। तो देखो भाई यहां पे ये पढ़ सकते हैं पॉइंट, वो मैं पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये ए, ये बी, ये फिर से ए, इस तरीके से कहानी चल रही है यहाँ पे। तो ये दिखाया गया है यहाँ पे कि ए बी, ए बी टाइप की है, ये पूरा बना के दिखाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, इसी को एच सी पी बोलते हैं। सारी बातें लिखवा दी मैंने, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, सब कुछ। अब हम बात करते हैं भाई ए बी सी टाइप की, अब हम किसकी बात करते हैं, ए बी सी टाइप की बात करते हैं, और इसी से हमारा एफ सी सी टाइप का लैटिस बनता है, ए बी सी, ए बी सी टाइप की। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसे सीसीपी भी बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी, और यही इसी को एफसीसी भी बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, है ना, फेस सेंटर्ड आपका क्यूबिक लैटिस। कैसे बनती है जी ये, देखो ये आपका ए है, ये आपका, ये पूरा नीचे ए बन गया, ये पूरा नीचे ए बन गया, यहां पे आपका बी भी बन गया। अब बी आपने अलग रख दिया, अब आप क्या करेंगे, देखो एक तो चॉइस ये थी आपके पास जो हम पिछले एग्जांपल में कर चुके हैं, वो एक तो ये थी कि आप इसी के ऊपर रख देते, तो वो तो फिर क्या बन जाता, ए बी ए बन जाता वो तो, और उससे तो आपका थ्री डायमेंशनल एच सी पी बनता। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक और चॉइस है, वो चॉइस क्या है कि ये देखो, ये जो वॉइड है ना, ये वाला, इस वॉइड के ऊपर अगर आप रख दो, सॉरी इस वॉइड के ऊपर नहीं, सॉरी 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 इस वॉइड के ऊपर नहीं, देखो यहां से अब आप नेक्स्ट कहां पे रख सकते हो, देखो ये जो आपको नजर आ रहा है यहां से, यहां पे भी तो रख सकते हो, ये एंड ये, है ना, समझ पा रहे हो मेरी बात को, ये तो ये ए थी, ये बी थी, अब ये सी टाइप की बनेगी, अब ये सी टाइप की बनेगी, और इसी को बोलते हैं सीसीपी या फिर एफसीसी, ठीक है ना। तो यहां से देखिए, समझिए मेरी बात को, तो अब आपने जो एटम रखना है यहां पर दिखाया गया है, ये देखो ये वही वॉइड, वॉइड दिखाई नहीं देगा अब आपको, वॉइड दिखाई नहीं देगा, देखो ये बना जो है। तो अब यहां से जो नजर आ रहा है आपको वो ये है जी। अब देखो सबसे पहले नीचे हो गया था, वो नीचे ए हो गया था जैसा कि एचसीपी में था, बी भी हो गया था, ठीक है, इन दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद जो आपको ध्यान रखना है वो ये बनेगा जी आपका, ऐसे मैं इसको बना के दिखाऊंगा, समझाऊंगा, टेंशन लेने की कोई भी बात ही नहीं है, बना के दिखाऊंगा अपने हाथ से, और आपको भी बताऊंगा कि आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है भाई, ये रहा। अब यहां पे देखो, ठीक है, यानी कि ये आपका हो गया जी ए, ये हो गया बी, अरे सर ये सी कैसे हो गया, अरे भाई सी ऐसे हो गया, अगर आप यहां पे बात करोगे ना, सी ये ऐसे हो गया, अगर यहां पे बात करोगे तो यहां पे आप देखिए ये जो ट्रायंगल का जो जो फेस नजर आ रहा मेरी तरफ है, बट अगर आप उसकी बात करोगे ना तो वो कहां पे नजर आ रहा है, आपकी तरफ। देखो एक आपकी तरफ और एक मेरी तरफ है, बी जो है वो मेरी तरफ फेस है और सी का आपकी तरफ फेस है ट्रायंगल का, इसलिए इसे बोला जाता है एबीसी, एबीसी टाइप। मैं बना के दिखाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, समझाता हूं आपको, ठीक है। तो ये ए बी, ये बनेगा जी सी एंड ये वापिस से ए, ठीक है। तो ये एबीसी एबीसी, इसको मैं बना के दिखा देता हूं सारी कहानी, और इसी से जो आपकी एफसीसी जो बनता है ना, एफसीसी वो इसी से बनता है भाई, जो आपका एफसीसी बनता है वो इसी से बनता है। कैसे बनता है, आ जाइए, स्लाइड्स हो गई अपनी यहाँ पे, एंड तो नाउ थर्ड लेयर सी इज प्लेस्ड ओवर ए बी लेयर सच दैट ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करे, तो यहां से बनती है, इसी को हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग एफसीसी सोन बिलो। यहाँ पे इसके कुछ डायग्राम वाइग्राम बनाए दिखाए हैं, इसका भी अगर आप निकालोगे ना, बोथ
एचसीपी एंड एफसीसी अरेंजमेंट ऑलमोस्ट इक्वली एफिशिएंट पैकिंग होती है, 74% ही होती है दोनों की। अब आओ जी अपने तरीके से जो लास्ट है उस पोर्शन को कवर करते हैं, कंप्लीट करते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले भाई आपने यहाँ पे ये एक ए आइटम रख लिया होगा यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं वन बोल देता हूँ, ये ए टाइप के अरेंजमेंट का उठाया मैंने एक। उसके बाद यहाँ पे ये दो, इसी के नीचे जस्ट दो, यहाँ पे आपका तीन, तीन और चार, ये तीन और ये आपका चार। इसी प्रकार अगर आप बात करेंगे यहाँ पे आपका ये बनेगा जी पांच, ये बनेगा जी आपका छः और ये बनेगा जी आपका सात। तो ये ए था तो ये आपका बी बन गया, ये ए था तो ये आपका बी बन गया। उसके बाद यहाँ पे जस्ट सी में आप देखेंगे ना, जस्ट आपको चेंज दिखाई देगा, सी में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये तीन ऊपर लिखेंगे, तीन ऊपर लिखो, उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे लिखोगे और उसके बाद ये, उसके बाद लास्ट में आपका ये आ गया जो कि ए बनेगा। तो इसकी नंबरिंग कर दो भाई, यहाँ पे एट, ये नाइन, ये आपका टेन, ये आपका इलेवन, ये आपका ट्वेल्व और ये आपका थर्टीन, ठीक है, और ये आपका फोर्टीन, ठीक है ना, ऐसे होता है ये। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, आ जाओ समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले भाई आपने ए पॉइंट यहाँ पे रख दिया, ये आपका वन है, उसके बाद आपने यहाँ पे टू रख दिया, यहाँ पे इसके जस्ट नीचे ही टू रख देना है, ये टू रख दिया आपने टू, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा डिस्टेंस पे आपने यहाँ पे थ्री एंड आपने यहाँ पे फोर रख दिया, इक्वल डिस्टेंस रखना स्टूडेंट, ये थ्री हो गया, थ्री एंड ये फोर। उसके बाद आपने यहाँ पे कहीं पे रख दिया होगा फाइव, ठीक है, यहाँ पे आपने कहीं रख दिया होगा सेवन, ठीक है ना, सेवन, एंड यहीं पे जस्ट टू के नीचे, जस्ट टू के नीचे आएगा भाई यहाँ पे, यहीं पे आपका कहीं आ जाएगा छः नंबर। उसके बाद आठ आपने जस्ट रख दिया यहाँ पे पाँच के नीचे, आठ, उसके बाद नौ आपने रख दिया यहाँ पे और उसके बाद दस आपने रख दिया यहाँ पे, तो ये हो गया जी आपका आठ, या आपका हो गया जी नौ, या आपका हो गया टेन। उसके बाद यहाँ पे ये ग्यारह और यहाँ पे आपका ये, तो ये ग्यारह हो गया एंड ये आपका बारह, एंड उसके बाद तेरह आपने यहीं पे रख दिया कहीं पे, तेरह आपने कहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना। अब इनको मिलाओ, मिलाने से आप देखोगे कि आपको एफसीसी टाइप की अरेंजमेंट, मतलब आपको एक क्यूब बनता हुआ दिखाई देगा, आपको एक क्यूब बनता हुआ दिखाई देगा और वो एफसीसी बनता हुआ दिखाई देगा। देखो मिलाओ कैसे मिलाएंगे, एक और पांच को मिला दो, किस किस को मिलाओ, एक और पांच, क्योंकि वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो यहां पे भाई आपने मिलाया एक और पांच को, एक और पांच को मिलाया, इस और आप एक और सात को मिला दो, ठीक है। उसके बाद जो तेरह है आपका, तेरह है, उसको भी सात से मिला दीजिए। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट थोड़ा सा इंतजार रखिए, दोबारा से आपको ये पूरी कहानी बता देता हूं, ठीक है ना। दो, एक को दो से भी मिला दो भाई यहां पे, एक को दो से भी मिलाना पड़ेगा, ठीक है जी, एक को दो से भी मिला दिया। उसके बाद जो आपका पांच और आठ है इनको मिला दो, पांच और आठ को मिला दो, सात और दस को मिला दो, ठीक है, सात और दस को मिला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस आठ को जोड़ दो इस थर्टीन से, थर्टीन के बाद फोर्टीन भी तो आएगा यार, मैंने फोर्टीन मिस कर दिया ना, थर्टीन के बाद फोर्टीन भी तो आएगा, फोर्टीन मिस कर दिया मैंने, तो यहां पे कहीं इसको नजदीक लिख लो भाई, यहां पे आपका 13 के करीब आ जाएगा एंड यहां पे कहीं नीचे 14 आएगा। तो जैसे आपने एक को पांच से मिलाया था ना, वैसे ही आप आठ को 14 से मिला दो, आठ को 14 से मिला दो, ठीक है, वैसे ही आप 10 को 14 से मिला दो, ठीक है, वैसे ही आप क्या करोगे यहां पे और क्या क्या करना पड़ेगा जी, देखो अभी तो बना नहीं है ना अपना क्यूब, यहां पे आठ को दो से मिला दो, थोड़ा सा देखो यार ये थोड़ा सा सही बनाना पड़ेगा जब जाके बनेगा, मैं इसको थोड़ा सा आगे निकाल लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा आगे निकाल लेता हूँ यहाँ पे टू को, बाकी भाई बन जाता है यहाँ पे, कोई बड़ी बात वो आती नहीं, थोड़ा सा समझाना है मुझे इसलिए तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे करके। तो ये आपका यहाँ पे, तो इसको आपने मिला दिया इसके साथ, ठीक है ना, दो के साथ, सेम ऐसे ही आप दो को मिला दो टेन से, ये मिल गया, ठीक है ना। तो अभी भी क्यूब बना नहीं है, अभी भी बनाना बाकी है, पांच को मिला दो नौ से, सॉरी पांच को मिला दो तेरह से, पांच को मिला दो तेरह से एंड तेरह को ही मिला दो सात से। क्या आपको एक क्यूब नजर आ रहा है, क्या आपको एक क्यूब नजर आ रहा है, देखो यस, ये सारा एक, ये आपका एक क्यूब है और ये एफसीसी टाइप के अरेंजमेंट में क्यों कह रहा हूं, देखो यहां पर अगर आप देखोगे ना तो एक दो, देखो यहां पर ये जो एक है, ये जो दो है,
ये जो आठ है और ये जो पांच है ना, ये तो कॉर्नर, और ये देखो ये जो तीन है ना, ये फेस का सेंटर है। एक दो आठ पांच वाले का जो फेस का सेंटर है वो तीन है। उसी प्रकार आप एक सात दस दो वाले का सेंटर आपका ये है, तो ये एक आपका एफसीसी बन गया। ये अब आपका एक एफसीसी बन गया। समझ में आया क्या स्टूडेंट, समझ में आया क्या? इंपॉर्टेंट है ये। अब इसके बारे में जर्नल पॉइंट से वो जान लेते हैं फटाफट से क्या क्या होते हैं जी, एंड और बस इसका दी एंड करते हैं क्यूबिक ये क्लोज पैकिंग का। समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे वही निकाला जाएगा कि बताओ जी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जेड, तो एफसीसी के कितने होते हैं? आठ कॉर्नर पे होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, क्योंकि ये एक एफसीसी टाइप का यूनिट सेल बनेगा। छह फेस के सेंटर पे होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन आपका 1/2, तो बनेगा जी 4। उसके बाद इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना आएगा? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो आता है भाई वो आता है 12, है ना। एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12 होता है, 12। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट होता है भाई वो आएगा वॉल्यूम ऑफ द एटम्स, तो वो ऑलरेडी मैंने बताया वो आपको, कैसे चार होते हैं एक की हो जाएगी 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो वो कितनी हो जाएगी? ए की क्यूब। एंड यहाँ पे ए किसके इक्वल होता है? मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है 2√2 r के इक्वल होता है। यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? सेम है ये तो, 16 × √2 r³। यहां से अगर आप पैकिंग एफिशिएंसी पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो वो भी आ जाएगा आपका 74%, वो भी आ जाएगा आपका 74%। तो ये थी जी आपकी 1D, 2D, 3D, तीनों टाइप की मैंने पैकिंग आपको पढ़ा दी है। उन सभी से रिलेटेड उनके कोऑर्डिनेशन नंबर, उनकी वॉल्यूम ऑफ एटम, सब कुछ मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। एनिमेशन भी ले लिए, हाथ से भी बना के दिखा दिया, फॉर्मूले भी लिखवा दिए, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अगर इतना पढ़ लोगे तो भाई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, इतना पढ़ लोगे तो प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, आराम से आप समझ कर लोगे इसको। तो ये था जी हमारा क्यूबिकल मतलब क्लोज पैकिंग का टॉपिक, तो ये होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ और भी टॉपिक्स जो जुड़े हुए होंगे इनसे रिलेटेड, जो आएंगे वो डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का